हेलो गाइस, मेरा नाम है पूजा और आज मैं आप सबसे एक बहुत ही सिंपल एंड इजी मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। मैंने ये पूरा का पूरा मेकअप अपने हाथों से किया है। आई डिड नॉट यूज़ एनी ब्रश और एनी काइंड ऑफ यू नो ब्लेंडर टू ब्लेंड माय फाउंडेशन। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव दिस अ थम्स अप। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टू स्टार्ट माई मेकअप, मैं सबसे पहला प्रोडक्ट यहाँ जो यूज़ करूँगी वो है लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर। तो इसे हल्का सा मैं अपने हाथों में ले लूँगी और इसे पूरे फेस एंड नेक पे डॉट डॉट बना के मैं हाथों से ही अच्छे से इसे मिला लूँगी। याद रखें कि प्राइमर हमेशा यूज़ करना ज़रूरी होता है, इसलिए ताकि ये आपके फाउंडेशन को अच्छा बना सके, आपका फाउंडेशन केकी ना हो, इसीलिए प्राइमर ज़रूर ही लगाएं। उसके बाद जो सेकेंड प्रोडक्ट मेरा है वो है लैक्मे एब्सोल्यूट का फाउंडेशन और इसे मैं थोड़ा सा अपने हाथों में ले लूँगी और पूरे फेस पे डॉट डॉट बना लूँगी फिंगर टिप से और हाथों से ही मैं इसे अच्छे से मिला दूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी फाउंडेशन को। याद रहे कि फाउंडेशन जितना अच्छा ब्लेंड होगा आपका उतना ही अच्छा कवरेज एंड लुक देगा, इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम दे इस प्रोसेस में और फाउंडेशन को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर ले पूरे फेस पे नेक पे ताकि अच्छा सा कवरेज मिल जाए आपको। उसके बाद मैं लूँगी थोड़ा सा लूज़ पाउडर अपने हाथों में और उसे पूरे फेस पे लगा लूँगी एंड नेक पे ताकि मेरा जो फाउंडेशन है वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है हुडा ब्यूटी का पैलेट और ये इससे मैं एक गोल्डन शेड चूज़ कर लूँगी और इसे मैं अपने आई लिड्स पे लगा लूँगी एज आई शेडो। मैं अपने दोनों आँखों में वही सेम गोल्डन शेड लगा लूँगी। उसके बाद मैं लूँगी आई लाइनर और एक बहुत ही थिन लाइन ड्रॉ करूँगी। एंड जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे जो आईब्रोज़ हैं वो पहले से ही थोड़े डार्क हैं तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए। मैं बस एक छोटा सा ब्रश ले लूँगी और उसे अच्छे से अपने आईब्रोज़ को कोम कर लूँगी और उसके बाद मैं लगाऊंगी काजल अपने दोनों आँखों में। काजल एक ऐसा चीज़ है जो मैं कभी स्किप ही नहीं कर सकती, कोई भी मेकअप हो तो मैं काजल ले लूँगी, वो लॉरियल का है तो मैं काजल लगा लूँगी अपने दोनों आँखों में। एंड गाइस, अगर कोई बैकग्राउंड आवाज़ आ रही हो तो उसे प्लीज़ अवॉइड करें, मेरे घर में दो छोटे बच्चे हैं तो ऐसे साउंड्स आते रहते हैं। सो मेरा नेक्स्ट स्टेप है आईलैश कर्लर, तो मैं ले लूँगी आईलैश कर्लर एंड अपने दोनों लैशेस को कर्ल कर लूँगी और उसके बाद मैं उसमें मस्कारा लगा लूँगी जो कि मैं मेबलिन का यूज़ करने वाली हूँ। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू यूज़ इज़ द लिपस्टिक विच इज़ फ्रॉम लैक्मे। ये बहुत ही अच्छा शेड है तो दिस गिव्स यू अ वेरी नाइस लुक, फेस को बहुत ही ब्राइटन अप कर देता है। तो मैं यहाँ ये लिपस्टिक लगा लूँगी। उसके बाद जो लिपस्टिक मैंने अपनी लिप पे लगाया था उसी सेम लिपस्टिक को मैं अपने चीक्स पे भी अप्लाई कर लूँगी एज ब्लश और अपने फिंगर टिप से ही उसे मिला दूँगी। और नेक्स्ट जो हाइलाइटर मैंने अपने आईज़ के लिए यूज़ किया था, जो पैलेट यूज़ किया था वो सेम पैलेट से मैं एक शेड चूज़ कर लूँगी एज हाइलाइटर एंड उसे मैं अपने चीक्स पे एंड नोज़ पे लगा लूँगी ताकि फिनिशिंग टच मिल जाए एंड दैट्स इट, आई एम रेडी टू गो। ये बहुत ही सिंपल मेकअप लुक है, आप इसे चाहे कोई भी आउटिंग पे जा रहे हो तो ये कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई भी छोटा सा बर्थडे पार्टी अटेंड कर रहे हो तो उसके लिए ये मेकअप लुक बहुत सही है।
बहुत ही हल्का मेकअप यूज़ किया है हमने और बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ किया है, तो काफ़ी टाइम तक ये आपके फेस पे स्टे भी करता है एंड बहुत ही ब्राइटेंड अप रखता है आपके फेस को ज़्यादा टाइम तक। इसीलिए इस मेकअप लुक को एक बार ज़रूर ट्राई करें आप गाइज। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक।